यहाँ क्यों खड़ा हो यादव लोग ने सुधरा कभी इतना गाँव में घूमे ब्राह्मण भूमिया राजपूत कुशवाहापुरी कोई खड़ा सड़क बना दे लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में नेताओं का लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन यहां तो अजीब विडंबना है कि सांसद जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग उनको रोक लेते हैं, कहते हैं गांव में घुसने नहीं देंगे, आपने सड़क नहीं बनवाई है। नीतीश कुमार के सांसद तो कह रहे हैं कि तुम हमको वोट मत देना, गांव में नहीं जाएंगे, आज देखते हैं कैसे तुम सड़क बनवा लोगे। ये जो सांसद महोदय आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये जेडीयू के सांसद हैं, बांका से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव हैं। इनका रुतबा देखिए, अपने वोटरों से बात करने का तरीका देखिए। ये अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड ने इनको उम्मीदवार बनाया है, नीतीश ने इनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है, लेकिन ये गांव की एक सड़क तक नहीं बनवा पाए हैं। लिहाजा गांव के नौजवानों ने इनको गांव के मोड़ पर रोक लिया, कहा कि सांसद महोदय सड़क का निर्माण कब करवाइएगा। ये सुनते ही जेडीयू सांसद भड़क गए, तेवर दिखाने लगे, गांव के लोगों को समझाने लगे कि तुम्हारे वोट से जीते हैं, तुम वोट नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, हम नहीं जीतेंगे। अरे एमपी साहब, जनता वोट देती है, चाहे वो आपके पक्ष में दे चाहे आपके विरोध में दे, लेकिन जो भी चुनाव जीतता है उसका यह दायित्व तो बनता है कि लोगों की समस्या जन समस्या को सुने समझे, ना कि तेवर दिखावे। लेकिन एमपी साहब का यह तेवर नीतीश कुमार के गुमान का है या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, जिसे पिछले 1.5 महीने पहले पानी पी पी कर यही संसद में सांसद महोदय कोस रहे थे। जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। यह वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेडीयू के सांसद इसी तरह वोट मांगेंगे, क्या जेडीयू के सांसद अपने इलाके में विकास के नाम पर जब सड़कों का निर्माण अब तक नहीं कराए हैं, पुल और पुलिया बनाने का बातें कर रहे हैं कि पुल और पुलिया कौन बनवाया था। साहब, अगर पुल पुलिया आपने बनवाया या पहले के लोगों ने बनवाया, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अभी जिसकी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, और सड़क की समस्या सुनकर तो ऐसा लगता है कि क्या नीतीश कुमार की योजनाएं बांका के उस गांव में नहीं पहुंचती है जहां से सांसद महोदय आते हैं। नीतीश कुमार तो पूरे बिहार में पक्की सड़क, नाली और गली गली कई सारे जो योजनाएं हैं वो चलवा चुके हैं, लेकिन बांका के किसी गांव में सड़क नहीं होना नीतीश कुमार के विकास पर यह तमाचा है। गिरधारी यादव के लोकसभा सीट पर, उनके क्षेत्र में उनके सांसद होने पर यह तमाचा है कि जिस सूबे के मुखिया, जिस पार्टी के सबसे बड़ा नेता, जिस सांसद का मुख्यमंत्री उनके ही पार्टी का दावा करता हो कि पूरे बिहार के गली गली को पक्की सड़क में बदल दिया गया है, उसी सांसद का, उसी पार्टी के सांसद का, जेडीयू सांसद का विरोध इसलिए हो रहा है कि उसने सड़क नहीं बनवाई है। और थोथी दलीलें सांसद महोदय का सुनकर हर कोई ये सोच रहा है कि क्या जेडीयू के नेता इसी तरीके से विकास के दावे कर रहे हैं, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह बांका के पहले जमुई में जिस पुल का निर्माण की बातें कर रहे थे, जहां लोग आ और जा नहीं सकता है, जहां पीने के पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरसता है, क्या उसी प्रकार का विकास
बांका में भी दिखता है। ये वीडियो आया है, खुद इसमें जो सांसद हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी और चंद लोगों से घिरे सांसद महोदय गांव के नौजवानों पर इस तरह खफा हैं कि वो कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनवाएंगे, तुम हमको गांव में नहीं घुसने दोगे, वोट नहीं दोगे, तुम्हारे वोट से जीत जाते हैं। अजीब विडंबना है। चुनाव में तो कहा जाता है कि नेता के सामने अगर कोई भी विरोध करता है तो नेता हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन अब ये सत्ता में रहने वाले सांसदों का गुरूर है, ये सत्ताधारी दल का सांसद का बयान है। पूरा वीडियो एक बार फिर से सुनिए और खुद तय कीजिए कि अभी तो जनसंपर्क में निकले सांसद महोदय का विरोध हो रहा है, अगर इस तरीके से लोग सवाल पूछेंगे तो वोटिंग के पहले सांसद महोदय का जो जवाब है क्या वो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के सपनों को झटका नहीं देगा? इतना दिन में जो पुल बनवा दिया उसका कोई फायदा तक तो नहीं हुआ, यहाँ क्यों खड़ा हुआ? चाहे नहीं देखेंगे हमको, नहीं रोड बना, कितना रोड बनवा दिया आपका पेटे नहीं, वोट नहीं देने मेरे को बहाना कर दिया, यहाँ क्यों खड़ा है आपके गांव में हम जा रहे हैं? चलो कोई तरीका है, ये पुल बनवा दिया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, यहाँ क्यों आए? हम क्यों देखेंगे? अभी हम तो 4 दिन पहले चुनाव है, तुम्हें करे बना देंगे रोड, हम 4 दिन में क्यों देखेंगे? तुम्हारा गांव में आ रहे थे तो वहाँ कौन नहीं देख पाते? देखने की बात हो रहा है, तुम भरा में सब मत रहना, रोड उठ नहीं बनेगा, वोट देना होगा तेरा अंदर अंदर अंदर। अच्छा फालतू वाला बात लोग बंद कर, तुमको कायनात गांव में जाएंगे या नहीं जाएंगे? फिर क्यों है तुम लोग खड़ा? जब तुम्हारा गाँव में प्रोग्राम दे के आ रहे हैं तुम यहाँ क्यों खड़ा हुआ? ये पुल तुम तुम्हें लोग बनवा दिए थे, ये पुल तुम्हें बनवा दिए, तो बन गया तो हम जरूरत पड़ेगा दी, तुम्हें बनवा दिए थे, कह के क्या हुआ? वही भी जा सकता था ना कि सर उठो रोड हमारा देख लीजिएगा जरा, जाते जाते खड़ा क्यों रहा? इसका मतलब तुम रोक रहे हो कि मेरे गांव में मत जाइए, इसका ही माना होता? ऐसा तो नहीं है, फिर क्यों यहाँ तुम उधर से लेके आते? चलन वहाँ पर गाँव रंगा हुआ है लेकिन सबका पेट इधर से ही भरा। बात नहीं समझे तू, समझता नहीं, नहीं बोला समझ नहीं पा रहा है, उधर से दिखा सुना के यहाँ आके दिखाता है, गाँव के रोड पर खड़ा हो गया की यहाँ कोई बात हुआ? चलो चलो इसीलिए ज्यादा लोग ने सुधरा, कभी इतना गांव में घूमे ब्राह्मण भूमिया राजपूत कुशवाहपुरी कोई खड़ा कौन सुधरता? ज्यादा तो गांव में तू ही सड़क बना दिला ना, क्या खड़ा हुआ? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।